हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं पोकेमॉन हार्ड गोल्ड वर्जन। और गाइस, अगर आप लोगों ने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग अभी आ गए हैं ये जो अजीब सी सिटी है, इसका नाम हमेशा भाई मैं ले नहीं पाता, एक्रूटिक सिटी पोकेमॉन जिम। हाँ, तो हम एक्रूटिक सिटी में आ गए हैं और अभी हम एक्रूटिक सिटी पोकेमॉन जिम के सामने खड़े हैं। और पिछली बार हम अंदर गए थे तो हमें पता चला था कि यहाँ का जिम लीडर जो है बाहर कहीं मटर गश्ती कर रहा है किसी टावर में, और हमको उसको ढूंढने जाना है। तो जल्दी से चलते हैं पहले। और उस टावर का नाम अंदर एक जिम के अंदर एक अंकल जी ने बताया था हमको कि वो बर्न टावर नाम की जगह पे है। तो देखते हैं बर्न टावर कहाँ है भाई। यहाँ पे हो गए, यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे उस तरफ क्यों देख रहा है पता नहीं। ठीक है, ये बोर्ड पढ़ के देखते हैं। बर्न टावर, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मिस्टीरियस फायर, प्लीज स्टे अवे एज इट इज अनसेफ। हाँ भाई, बिल्कुल सही जगह पे आ गए हम लोग, मतलब तुक्के से। तो जल्दी से चलते हैं अभी ऊपर बर्न टावर के अंदर और देखते हैं भाई ये जिम लीडर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जली जली कटी जगह पे। ओके, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे मुझे कुछ पोकेमॉन दिख रहे हैं और वो मुझे भाई वो लेजेंडरी पोकेमॉन जैसा कुछ दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ आ गया है, देख लेते हैं। अरे भाई, रटट्टा। ठीक है, ये नहीं चाहिए गाइज हमको, इसको जल्दी से स्किप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से उसमें से एक का नाम वो राइकू ऐसा कुछ है और बाकी दो तो मुझे ठीक से दिख नहीं रहे। तो एक काम करते हैं, यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं, शायद हमें कुछ पता चले। ओके, ये बंदा, ओके, और ये ऑलरेडी हमको मतलब पकड़ लिया इसने। इसका नाम क्या है, यूजीन। माई नेम इज़ यूजीन, आई एम ऑन द ट्रायल ऑफ अ पोकेमॉन नेम्ड सुइकू ने। ओके, इसको उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही कुछ पढ़ते होंगे, अगर गलत हूँ तो आप लोग कमेंट में बता देना। एंड यू आर मॉन्टी, ग्लैड टू मीट यू। ओके, आई हर्ड रूमर्स दैट सुइकू ने इज़ हियर, सो आई कम केम टू लुक। ओके, टेक अ लुक एट द बेसमेंट थ्रू द होल इन द फ्लोर, देयर सुइकू ने इज़ डाउन देयर। ओके, सुइकू ने के बारे में मैंने ऑलरेडी सुना है गाइस, वो लेजेंडरी पोकेमॉन है। और लेजेंडरी पोकेमॉन है क्या, मतलब हाँ शायद लेजेंडरी पोकेमॉन है, या मतलब कुछ खास पोकेमॉन है, इतना तो मुझे पता है। आई कुड गो डाउन स्टेयर्स बट आई नो इट वुड रन अवे इन नो टाइम, आई नो आई हैव ट्राइड इट मेनी टाइम्स। ओके, तो ये सुकुने को पकड़ने आए हैं शायद यहाँ पे, लेकिन इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। ओके, और कुछ, थ्री, देयर सीम्स टू बी मोर देन मीट द आई विथ यू। ओके, इसको पता नहीं क्या मेरी अंग्रेजी कमजोर है भाई, इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें बोल रहा है ये अंग्रेजी में। ठीक है, लेकिन मुझे जितना समझ आया कि हमको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन नीचे जाने से पहले यहाँ पे ये कौन है भाई, लाल बाल। अरे ये तो वही है चोर कहीं का जो हमको पहले एपिसोड से मिलता आ रहा है हर जगह, ग्रीन। ओके, ओ इट्स यू, यू मस्ट बी हियर टू कैच द लेजेंडरी पोकेमॉन टू मेक योर सेल्फ लुक स्ट्रांग। हाँ भाई, क्यों नहीं करूँगा मैं ऐसा, दिस इज ओनली अ ड्रीम। यू सी द लेजेंडरी पोकेमॉन सूट्स अ ट्रेनर लाइक मी हु हैज स्वोर्न टू बिकम द स्ट्रांगेस्ट ट्रेनर। अच्छा बेटा, अ बैटल विद टीम रॉकेट ग्रंट्स इज जस्ट राइट फॉर यू। अच्छा, नीचा दिखा रहा है और अभी इसके साथ लड़ाई होने वाली है गाइस, तो जल्दी से इसको अभी हम नीचा दिखाएंगे भाई। ऑल राइट, कितने पोकेमॉन लाया, चार है मेरे पास, ज़्यादा है। ओके, पहला कौन सा है, गास्टली। ठीक है भाई, देखते हैं इसके गास्टली में कितना दम है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ एक रेजर लीफ। ऑल राइट, मेरा हमेशा का स्पेशल मूव, दे देते हैं। ओके, कितना डैमेज होगा देखते हैं। ऑल राइट, एक हिट में बिल्कुल मतलब ख़त्म इसका काम हो चुका है। ठीक है, अभी अगला वाला देख लेते हैं भाई। ओके, अगला क्या भेजने वाला है, ये हमेशा लास्ट में इसका सबसे ताकतवर वाला भेजता है, मुझे पता है। अभी जुबैड भेजने वाला है, ठीक है भेज दे भाई, जुबैड भेज दे। जुबैड तो मेरे ख्याल से आसानी से हार जाएगा। हाँ, ये भी 20 लेवल का ही है तो इसको भी हम आसानी से हरा देंगे। लेकिन इसका लास्ट वाला पोकेमॉन भाई, वो मेरे ख्याल से हमको थोड़ा दिक्कत देने वाला है। लेकिन जुबैट, अरे बाप रे, जुबैट 20 लेवल का होके भी इसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, और इसने हमको कंफ्यूज कर दिया है। अब हमको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ भाई, ये कन्फ्यूजन से बहुत दिक्कत होती है यार, इसके लिए कोई वो भी नहीं है मेरे ख्याल से, कोई एंटीडोट या कोई पोशन है क्या इसके लिए। गाइज, अगर आप लोगों को पता हो तो बताना यार, मुझे पता नहीं यार, मैं पोकेमॉन के गेम्स खेल तो रहा हूँ इतने समय से, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता अभी तक इनके बारे में। ऑल राइट, लेकिन किसी तरह हमने इसको हरा दिया है। और अभी किसको भेज रहा है, क्विलावा। ओके, क्विलावा भेज रहा है, ठीक है, मैं यही रखूँगा पोकेमॉन, मेरे ख्याल से बदलने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। ऑल राइट, क्विलावा काफ़ी सही पोकेमॉन है, तो देखते हैं ये हमको कितना भारी पड़ता है।
ऑल राइट right, अभी तक कंफ्यूज्ड हूँ भाई मैं, पर ठीक है, रेजर लीफ काम कर जाएगा। ओके मार दिया है रेजर लीफ, और मतलब इतना कुछ खास काम नहीं किया। ठीक है, इसने फ्लेम व्हील मारा है, देखते हैं कितना डैमेज होता है। ओके ठीक है, इतना डैमेज सह लेंगे हम। और फिर से एक बार मैं रेजर लीफ मार देता हूँ, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ भाई, ये कंफ्यूजन कब जाएगा यार मतलब। ओके इसने मेरा अटैक अवॉइड कर लिया है। ओके और अभी स्मोक स्क्रीन भी मार दी, इससे शायद मेरी एक्यूरेसी, हाँ मेरी एक्यूरेसी कम हो जाती है इससे। चलो मैं टैकल मार के देखता हूँ सिंपली, इससे कुछ होगा क्या। अरे यार मेरे अटैक्स लग नहीं रहे, फिर से स्मोक स्क्रीन। पोकेमॉन बदल लूँ क्या मैं? नहीं, थोड़ी देर इसी से ट्राई करते रहते हैं गाइस, मुझे लगता है कि मैं इसको हरा दूंगा। ऑल राइट right, तो आउट ऑफ कन्फ्यूजन आ गया हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये मेरा अवॉइड किया जा रहा है अटैक कुलावा कहीं का। ठीक है कोई बात नहीं, एक और बार कोशिश करते हैं, और अभी तो लग जा भाई। अरे यार इस पे काम नहीं आ रहा यार, मैं पोकेमॉन बदल लेता हूँ मेरे ख्याल से। हाँ ये काफ़ी मतलब रिपीटेटिव सा हो रहा है, रुक जाओ मैं पोकेमॉन बदल लेता हूँ, कौन सा काम आएगा इसके बदले। चलो बटरफ्री ट्राई करके देख लेते हैं। ऑल राइट शायद बटरफ्री इसको हरा पाए, चलो देखते हैं। बटरफ्री के पास वैसे पॉइजन वाले अटैक्स है, तो देखते हैं एक बार। स्मोक स्क्रीन मार दिया है फिर से, और यहाँ पर बटरफ्री की भी एक्यूरेसी कम होते हुए, लेकिन मैं यहाँ पे गस्ट यूज़ करके देखता हूँ। ऑल राइट गस्ट यूज़ करके देखते हैं, और ओके ठीक ठाक डैमेज दिया है, कम से कम डैमेज तो दिया है भाई, मेगानियम तो उसको मार भी नहीं पा रहा था। ठीक है तो अभी हम इसको एक कन्फ्यूजन दे देते हैं। अरे मिस कर दिया, ये तो भाई तब से एक ही अटैक किया जा रहा है स्मोक स्क्रीन, इसको कुछ और आता है कि नहीं भाई। ठीक है फिर मैं एक कन्फ्यूजन मारता हूँ। अच्छा कन्फ्यूजन मिस हो रहा है मतलब, ठीक है हर बार का है, हर बार कन्फ्यूजन मिस हो रहा है, इस बार नहीं मारेंगे, रुक जाओ। इस बार हम लोग मारेंगे एक गस्ट, गस्ट लग जाता है यार, गस्ट गस्ट अच्छा अटैक है। ओके गस्ट लग गया और ये गया काम से। ओके दोस्तों कुलावा भी गया, और अब इसका आखिरी पोकेमॉन आने वाला है। ओके और इसी बहाने हमारा मेगानियम लेवल 33 पे चला गया है, बहुत बढ़िया, और बटरफ्री को भी अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, और अब ये मैग्नेमाइट भेजने वाला है। ठीक है भाई मैग्नेमाइट को भेज, अच्छा ये इसका आखिरी पोकेमॉन है, बढ़िया, इसको जल्दी से हरा देते हैं। मुझे लग रहा था ये कोई ख़तरनाक पोकेमॉन लेके आएगा लास्ट में, लेकिन ये मैग्नेमाइट तो मुझे इतना ताकतवर नहीं लग रहा। ठीक है ट्राई करके देखते हैं अपने अटैक्स इस पे, क्या पता भाई ये थोड़ा दिखने में बस छुटकू हो, लेकिन वैसे काफ़ी ताकतवर। हाँ लग तो यही रहा है भाई, इसने मुझे पैरालाइज कर दिया है। ठीक है पहले तो मैं देखूंगा मेरे पास पैरालाइज हील है क्या। नहीं है भाई, अच्छा नहीं गलत जगह देख रहा था मैं, हाँ है मेरे पास भाई, ये ऐसे ही करता हूँ मैं अंधा मतलब पहले देखता नहीं हूँ और बोल देता हूँ। ऑल राइट चलो भाई हील हो गया है, और हाँ अब हम इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन पहले ही अटैक कर दिया है इसने। ठीक है भाई मतलब इनमें सब्र नहीं है भाई, अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं हम भी अटैक करेंगे और हमारा अटैक मिस हो जाएगा। भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है मुझे लगता है कि इसके अपोजिट में हमको कोई दूसरा पोकेमॉन निकालना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ मैं रॉकी को निकाल के देखता हूँ। ऑल राइट ये पहली बार है भाई कि मैं किसी फाइट में इतने बार पोकेमॉन बदल रहा हूँ, वरना मैं दो से ज़्यादा बार कभी बदलने की मुझे मतलब नौबत ही नहीं आती है। इस बार ये थोड़ा सा टक्कर दे रहा है मतलब, ठीक है ट्रेनिंग वेनिंग करके आया है लड़का, ठीक है पर अब हार जाएगा क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग करके आया हूँ। और राइट इसका सोनिक बूम रॉकी पे इतना काम कर रहा है भाई, कर रहा है, मुझे लग रहा था काम नहीं कर रहा पर काम कर रहा है। ऑल राइट एक हेडबट दे देते हैं, अगर इससे इसका काम तमाम नहीं हुआ तो हमारा काम तमाम होने वाला है। सुपर सोनिक, अच्छा चलो अच्छा हुआ भाई इसका अटैक मिस हो गया, और ये कोई हाइपर पोशन वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है हेडबट एक और मार देते हैं, और इसका काम तमाम दोस्तों। ऑल राइट द फोर्स मैग्नेमाइट इज फेंटेड, ठीक है भाई चलो अपना पॉइंट्स वॉइंट्स मिल गया है जल्दी से। हाँ भाई सबको पॉइंट्स वॉइंट्स मिल गया है, सारे पोकेमोन ने अच्छा किया है और हमने इसको हरा दिया है। आई एम नॉट फाइटिंग विथ अनदर वीकलिंग एवर अगेन, इट्स जस्ट टू मच प्लेइंग अराउंड। हाँ हारने के बाद सब ऐसा क्यों बोलते हैं भाई चलो निकल अब यहाँ से लाल बाल कहीं का। ऑल राइट ग्रीन ओ वॉट एवर यू वुड नेवर बी एबल टू कैच लेजेंडरी पोकेमोन एनी। हाँ भाई वो तो देख ही लेंगे हम लोग, तू निकल यहाँ से।
ऑल राइट तो चलो हमने इसको भगा दिया है और यहाँ पे किसी का फोन आ रहा है हमको। ठीक है देखते हैं कौन है भाई ये, मतलब इम्पोर्टेंट समय में फोन आ जाता है। मॉन्टी हाउडी, मैं ठीक हूँ भाई आप कैसे? इट्स टॉड, हाउ आर यू? टॉड कौन था भाई, मैं भूल गया। माई सारडक इज लुकिंग मोर एंड मोर लाइक मी, इट्स गेटिंग क्यूटर एंड यू नो नाउ वी कैन के ओ डिटो इजिली, आई शुड चैलेंज द गोल्डन रॉड जिम। हाँ भाई सी यू लेटर। ऑल राइट भाई तो ये कोई बंदा है शायद, उसके पास सार्डक है और मतलब अच्छी खासी ट्रेनिंग कर ले रहा है और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, गोल्डन रॉड सिटी के जिम लीडर को चैलेंज करना चाहता है। अच्छी बात है भाई, तो ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पे अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये क्या है, रुको। अरे यहाँ पे ये दूसरा ट्रेनर है क्या यहाँ पे? इससे पहले मैं भिड़ू या पहले नीचे जाओ? पहले नीचे चलते हैं भाई, चलो पहले ये लेजेंडरी पोकेमोन से मिलते हैं। ऑल राइट अरे तीन है भाई तीन, ये सामने वाला सुकून है मेरे ख्याल से, पर ये भाग रहे, अबे भाग रहे, इनको पकड़ते कैसे? अरे यार ये तो ओके मेरी तरफ देख रहा है, भाग गया। और ये वो दूसरा वाला बंदा आ गया है, यूजीन, डिड यू सी इट? सुकून रेस्ड बाय लाइक अ ब्लर राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। ओके आई हैव बीन चेजिंग सुकून फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बट आई हैव नेवर बीन दिस दिस क्लोज, आई एम ऑल चोक्ड अप। ओके तो बाय द वे इट वॉज क्लियर टू मी दस दैट सुकुने टुक नोटिस ऑफ योर प्रेजेंस, एक्रोटिक्स लेजेंडरी पोकेमोन आर सेट टू कम टू पीपल ओनली वेन दे रिकग्नाइज देयर टैलेंट्स। ओके परहैप्स आई शुड बी मोर अग्रेसिव टुवर्ड्स सुकुने, एनी वे मॉन्टी वी विल मीट अगेन। ऑल राइट तो मतलब ये शॉर्ट में ऐसा बोल के गया कि ये पोकेमोन टैलेंटेड लोगों को पहचान लेते हैं, तो मतलब अपन बहुत टैलेंटेड है इस गेम में तो काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को सुन के काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे हम थोड़ा आसपास छानबीन करते हैं यार, कुछ मिलेगा? हाँ मुझे लगा ही था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उस बॉल तक पहुँचूंगा कैसे मैं? रॉक स्मैश है क्या मेरे पास? रुक जाओ, रॉक स्मैश तो मतलब होना तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाले पत्थर मैं स्मैश कर पाऊँगा। अरे और यहाँ पे कोई पोकेमोन आते हुए, कौन सा पोकेमोन है भाई? ये रटटा क्यों आते हैं यार भाई, इतनी बढ़िया जगह है, कुछ मतलब खतरनाक पोकेमोन दिख जाते तो मज़ा आ जाता, लेकिन यार इनको रटटा कोई भेजना है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं चाहिए मुझे रटटा। यहाँ पे देखते हैं हम उस तरफ कैसे तो जा सकते हैं क्या किसी तरह से? ओके इसको हम शायद किक करके जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ वाला पोकेमोन शायद मैं लाया नहीं हूँ साथ में, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ पक्का मैं वो रख के आया हूँ। और यहाँ पे और कोई जगह तो मुझे दिख नहीं रही यार यहाँ से जाने के लिए। और यार ये सब तो ठीक है, लेकिन वो हम जिसको ढूंढने आए थे वो कहाँ है? ओके एक मिनट रुको, मैगमार। ऑल राइट भाई मैगमार मिल गया गाइस, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा यार, ये नहीं पकड़ेंगे तो मतलब कैसे मतलब चलेगा। जल्दी से अपना कोई बढ़िया वाला पोकेमोन निकालता हूँ, पहले तो पिजियोटो निकालूँ क्या? हाँ चलो पिजियोटो निकालते हैं, देखते हैं इसको पकड़ पाते हैं क्या। भाई ये तो तगड़ा पोकेमोन है यार। ऑल राइट किस्मत चमक गई मेरी, ठीक है इसको हम कोशिश करते हैं पकड़ने की। ओके तो गाइज यहाँ पे एक बुरी खबर है, मैगमार को मैं बिल्कुल पकड़ने ही वाला था, लेकिन यार मेरे पास एक ही पोके बॉल था और वो एक मतलब उसमें पकड़ में नहीं आया वो, और वो छूट गया, और मतलब छूट गया मतलब मुझे उसको हराना पड़ा, क्योंकि भाई पोके बॉल ही खत्म हो गए थे तो कैसे पकड़ता, तो मैंने उसको हरा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे हमको मिल सकते हैं, तो हम बाद में आके यहाँ से उसको पकड़ लेंगे। तो अरे एक और बार आ गया क्या मैगमार, देख लेते हैं। अरे तेरी कोफिंग आ गया है, तो गाइस मुझे लग रहा है यहाँ पे हमको अच्छे पोकेमोन मिल सकते हैं, मैं बाद में आके यहाँ पे पकड़ूंगा, लेकिन क्योंकि अभी हमको एक जरूरी काम करना है, हमको मॉर्टी को ढूंढना है भाई, जो यहाँ के जिम का लीडर है भाई, उस बंदे को ढूंढने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे, तो अलग ही हमको चीज़ें मतलब मिल गई और हम उसमें उलझ गए, लेकिन मॉर्टी कहाँ है भाई? यहाँ पे मेरे को एक दूसरा बंदा दिख रहा था जब मैं उससे बात कर रहा था, वो एक बंदे से जिसने मुझे यहाँ के लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में बताया। और यहाँ पे पोकेमोन आए ही जा रहे हैं भाई, यहाँ पे बहुत पोकेमोन मिलने वाले हैं गाइस, इसको भी स्किप करते हैं लेकिन अभी के लिए। ऑल राइट तो अब मैं काम करता हूँ, ये पीछे वाले से भी अब निपट ही लेते हैं मतलब। अच्छा ये शायद मेरे ख्याल से रैंडम ट्रेनर है यार, ठीक है इसको रहने देते हैं। अच्छा यहाँ भी एक रैंडम ट्रेनर है, ठीक है तो मेरे को ये बॉल चाहिए था यार, ये बॉल के लिए मेरे को इनसे भिड़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है इससे भिड़ जाते हैं। ओके तो गाइज हमने इस बंदे को हरा दिया है और अभी हम लोग जा सकते हैं ये वाला जो अपना बॉल है इसको लेने के लिए, तो इसको ले लेते हैं भाई।
क्या इसमें एंटीडोट? ठीक है भाई, एंटीडोट ठीक है, मतलब जरूरी सामान है, मिल गया, अच्छी बात है। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और भाई पता लगाएंगे कि हम यहाँ पे जिसको ढूंढने आए थे, जो कि यहाँ के जिम लीडर है मिस्टर मोर्टी, वो कहाँ पे है भाई। हमको तो पता बताया गया था कि वो यहीं पे आया है, लेकिन यहाँ पे तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। और भाई वहाँ पे कुछ पोके बॉल्स पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल वो ये नहीं है, मतलब क्या कहते हैं उसको, रॉक स्मैश है हमारे पास वैसे, लेकिन हम यहाँ से उसको पार नहीं कर पाएंगे। और पता नहीं दूसरा रास्ता कहाँ से होके जाता है, दूसरा रास्ता वहाँ से होके जाता है, और उसके लिए हमको वो दूसरे ट्रेनर से भिड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे एक पोकेमोन आ गया, कौन सा है, कोफिंग है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो, और वो हमको लेनी है। और कुछ चीज़ें हम ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते, लेकिन अभी हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे, हम यहाँ से पहले बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मोर्टी को ढूंढने आए थे। वो शायद से यहाँ पे आया होगा और अब वो यहाँ से चला गया है, तो मैं थोड़े अंकल से बात करना चाहूँगा, बुढ़े अंकल से। इन द डिस्टेंट पास्ट व्हेन दिस टावर बर्न इन फायर थ्री नेमलेस पोकेमोन पेरिश्ड इन इट। ओके, तो जिनको हमने देखा था शायद ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। देन अ रेनबो ह्यूड पोकेमोन डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई एंड सम हाउ ब्रॉट देम बैक। द पीपल वेयर अफ्रेड ऑफ पावर सच एज द रेनबो ह्यूड पोकेमोन हैड शोन। दे ट्राइड टू कंट्रोल इट बाई फोर्स। द नेमलेस पोकेमोन मेड नो अटेम्प्ट टू फाइट बैक। इंस्टेड देयर ग्रेट सोरो कंपेल्ड देम टू लीव। दिस लेजेंड हैज बीन पास डाउन बाय द एक्रोटेक जिम लीडर। मी आई वॉज अ ट्रेनर वे बैक वेन। हो। अरे ये क्या है अंकल, आधी इंफॉर्मेशन दे के हो कर देते हैं, पता नहीं भाई इनका क्या है। तो इनको छोड़ते हैं और हम लोग वापस चलते हैं अपने जिम के पास और देखते हैं। मेरे ख्याल से मोर्टी वापस आ गया है ऐसा मुझे लग रहा है, तो जल्दी से जिम के अंदर जाके देख लेते हैं। ओके, अंदर घुसते हैं। ऑल राइट, हाँ अभी यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि मोर्टी भैया वापस आ गए हैं। लेकिन गाइस अभी हम इस एपिसोड में उसको चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया है, तो मुझे लगता है कि हमको ये एपिसोड यहीं पे एंड करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में और हम चैलेंज करेंगे यहाँ के जिम लीडर को। तब तक के लिए गुड बाय।